मैनपुरी, आरोपियों पर कार्यवाही व गिरफ्तारी के लिए दो दिन से बैठे पत्रकारों का धरना हुआ समाप्त। एसपी ने पीड़ित पत्रकार को मिठाई खिलाकर उचित कार्यवाही व गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। छह दिन पूर्व करहल पत्रकार ऋषिकांत दुबे पर कुछ दबंग व अपराधी किस्म के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट तथा जान से मारने की कोशिश की नीयत से घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज लिखा गया था, लेकिन कार्रवाई न होने पर पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिससे पत्रकार संतुष्ट नहीं हुए तब जाकर बैठे धरने पर। जिसके बाद धरने पर बैठे पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए राजनीति पार्टियां, कई संगठन, जिला बार एसोसिएशन दीवानी ने भी समर्थन दिया था और कार्रवाई न होने पर दीवानी को बंद करने का आश्वासन दिलाया था। लेकिन कल शाम धरने पर बैठे पत्रकारों की मांगों को पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अशोक कुमार ने माना और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई उन्हीं संगीन धाराओं में करने का आश्वासन दिया। पत्रकारों ने भी अपना धरना समाप्त करते हुए मांगों को मंजूरी किया और भविष्य में ऐसा घिनौना कृत्य कोई न कर सके जिसके लिए आरोपियों के सलाखों के पीछे डालने का कार्य किया जाए, क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसी नींव है जो चौथे स्तंभ के रूप में हम सब जनता, पीड़ित, पुलिस प्रशासन तथा सरकारी महकमे की मदद करती रहती है। पूरा मामला करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। देखें ये रिपोर्ट। लेकर जो है पत्रकार लोग सब एकत्र होकर यहाँ धरना दे रहे थे सर, आपके द्वारा ये धरना तोड़ा गया है सर, क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो मीडिया बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो एक समस्या थी पिछले कुछ समय से चल रही थी, उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया और उस पर हम लोगों ने आज कार्रवाई भी की है। इसमें एक हमारे मीडिया बंद के साथ लोगों ने दुर्व्यवहार